ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहले बहुत सारी समस्याएं थी और जिस तरह से इस रेडियो स्टेशन का उपयोग देखने को मिला, नासिक से महाराष्ट्र से बताया गया कि किस तरह से कोविड के समय जब पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया था, स्कूलों में स्कूल नहीं चलते थे, घरों में लॉकडाउन में बंद थे, एक और भारत सरकार ने मोदी जी के निर्देश पर 12 चैनल्स शुरू किए बहुत कम समय में और पहली से 12वीं कक्षा की क्लासेस उसमें लगती थी। लेकिन हो सकता है किसी गरीब के घर में टीवी भी ना हो, तो वहां पर नासिक वालों ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से लोगों तक क्लासेस शुरू करके शिक्षा का प्रसार किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बिहार की तो बात ही अलग सुनने को मिली है, और ये प्रैक्टिकल अनुभव मैं इसलिए सुनना चाहता था कि आपको क्या मुश्किलें आती और उन मुश्किलों से निकलकर भी आपके पास आकाशवाणी की तरह कोई इतना बड़ा स्टाफ नहीं 15,000 लोगों का कि आप लोग इंजीनियर भी रखेंगे, फिर आपके पास स्पेशलिस्ट भी होंगे। आप अपने बलबूते पर, जहां पर सरकार का कोई फंड आपको नहीं मिलता लेकिन जनून है कि देश के लिए समाज के लिए अपना योगदान देना है, और आप लोग एक नहीं कई सालों से डटे हुए हैं और आगे भी